हमने कहाँ लगाया हुआ है दिल अपना? आज अगर ये एक महीने का रोज़ा मुझसे चीज़ें नहीं छोड़ पा रहा, तो आप भूल जाएं कि हम कुछ छोड़ सकते हैं ज़िंदगी में, नहीं छोड़ सकते, कहाँ छोड़ेंगे। अगर आज मैं आठ देखें रोज़ा, उसमें समझें कि रोज़ा सुबह सहरी की तो रोज़ा शुरू हो गया, अफ्तारी की तो रोज़ा ख़त्म हो गया, नहीं, असल पूरा महीना रोज़ा है। इसलिए दिन में अलग दुआएं हैं, दिन में अलग है, रात को एक अलग दस्तरखान है, दुआए इफ्तिताह है, दुआए अबू हमजा उस्माली है, रात की दुआएं हैं, रात की नमाज है। यानी कि आप अपने आप को थकाएं, लेकिन जितना आप एनर्जेटिक पढ़ सकते हैं, जितना आप शौक से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ट्रांसलेशन सकते, मतलब लज्जत लो, मज़ा आए आपको, इंजॉय करें आप, वो काम करें, ना कि आप बड़े को दो घंटे हो गए, तीन घंटे हो गए, ना, खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि एक लाइन आप पढ़ें लेकिन आपको मज़ा आए, आपको समझ में आए। ये बहुत ज़रूरी है, लगता है स्कूल की घंटी बजी है वैसे अच्छा ही है, वरना मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। आप लोग इतने गौर से सुन रहे होते हैं, मुझे वक्त का अंदाज़ा वैसे भी नहीं होता। दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़िंदगी भी ऐसी गुजर जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, और वो नोक नोक, वो कौन? हम मौत का फरिश्ता, बोले इतनी जल्दी आ गया, बोले जल्दी नहीं थी, ये टाइम फिक्स था, तुम समझ रहे हो जल्दी है। तो ज़िंदगी का ये फरिश्ता भी ऐसे आ जाएगा। तो बहरहाल मैं वक्त, क्योंकि फिर मजलिस पढ़नी है तो वक्त हमारे पास महदूद है, इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ के परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों उनके मददगारों में शुमार फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं रिस्क हलाल अता फरमा, जो बरसर रोज़गार रिस्क में तरक्की और कुशादगी अता फरमा। परवरदिगार हम सबको हज उम्र और ज़ियारात की तौफीक अता फरमा, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ जिन ममालिक के अंदर ख़ासतौर पर जो असीरों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत मुश्किल में, परवरदिगार इस महीने की रहमतों बरकतों के सदक़े में जल्द से जल्द इन मुश्किल को हल फरमा, हम सबको गम हुसैन के सिवा कोई गम अताना फरमा। अल्लाह मरज़ुकना ज़ियारतुल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ात फ़िल आख़िरा। कुछ मिनट हमारे पास हैं, अगर हमारी गुफ्तगू से रिलेटेड कोई सवाल अगर है तो आप कर सकते हैं। वैसे सब बाज़ होगा तो हम इंसान अपने अंदर देखता है, उसको सवाल नज़र ही नहीं आता, तो मुश्किल ये भी होती है। लेकिन बहरहाल जो मेरे ख़्याल में था वो ख़्याल में रहा, उसके सारे सवालों का जवाब मेरे सवाल में ही रहा, तो आप भी जो है वो सवाल करें, मैं भी सवाल करूँ अगर यूथ को मैं इनक्रेज करता हूँ कि बहरहाल बुज़ुर्ग तो मैं तो बहुत छोटा तालिबे इल्म, इन्होंने बहुत उलमाओं को सुना हुआ होगा, यूथ अगर सवाल करे तो बहुत इनक्रेजमेंट होगी, क्योंकि यूथ ही को आगे बढ़ना है और आने वाली नस्ल सब कुछ इन्हीं के पास है। जी जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। मोहब्बत का कैसे करें? देखें पहले तो वही है कि जब मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो एक अटैचमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। मैं आपको बोलूँ इससे मोहब्बत करो, आप बोलेंगे मैं नहीं करूँगा। जब तक आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा, जब तक आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी, तब तक आपको उससे मोहब्बत नहीं होगी। अगर आप पहले देखें कि ये किताब है क्या, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह कौन है, खालिक कौन है, जब आप उसकी तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको इम्पोर्टेंस लगेगी। देखें ना, एक हम नमाज़ पढ़ते हैं, एक मौला है कायनात नमाज़ पढ़ते थे, क्यों? क्योंकि वो मारिफत, और फिर उसके बाद हर जितनी मारिफत बढ़ती चली जाती है उतना उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, उतना इश्क क्या है। अभी कभी को बोलता है कि यार इससे किससे इश्क कर लिया तुमने, यार शक्ल वकल तो देखते, वो आशिक है उसे क्या पता, आप उसके लिए तो वो जो है वो वही है, तो वो इश्क करना पड़ता है। जब इश्क हो जाए
तो फिर आदमी ना दिन देखता है ना रात देखता है, बस फिर वो कोशिश करे खुदा से मांगे। यानी बेस्ट चीज़ जो है वो अटैचमेंट वो खुदा, कि खुदा तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस किताब से मोहब्बत करूँ, इश्क करूँ। तू जब तक इजाज़त नहीं देगा ये कैसे मेरे बदन में आएगी। तो अगर हम खुदा से मांगें, और खुदा से मांगें तो सही, खुदा कुरान में कह रहा है उदूनी अस्तजिब लग, तुम मांगो मैं मुस्तजाब करूँगा, मांगो तो सही। हम मांगते ही नहीं, हम मांगते कुछ और हैं। तो इंशाल्लाह इस माह मुबारक में दुआ मांगें तो ज़रूर कुरान आपको जो है वो मैंने कोशिश की बहुत आहिस्ता बात करूं, मुझे नहीं पता कितनी आहिस्ता में बात कर पाया हूं आज। सही थी, चले एक साहब ने तो ओके कह दिया है। तो मुगल दानिश भाई के पुर्तगीज में फिश फिश तो बच्चों के सवाल, ख़वातीन भी सोच रही होंगी हमने भी सवाल करने हैं। तो ख़वातीन के सवाल के लिए उन्होंने कहा था कि आप पेपर पे लिख दें तो वो मुझ तक पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल जवाब दे दूंगा मैं। मैं तो सवाल नहीं करूंगा आप लोगों से, आप खुद सवाल करें मेरे से। बच्चों को चाहिए सवाल करें, आप बच्चों को बता क्या करें कि सवाल करना है मौलाना से, हम नहीं पूछ सकते तुम पूछ लो। पता नहीं बच्चों को समझ में आती भी उर्दू से नहीं आती, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को तो उर्दू नहीं आती है, तबर्रुकन बैठे हुए होते हैं ना लेकिन अच्छी बात है आप इनको आदत डालेंगे हल्के हल्के कुछ इनको समझ में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन भर सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह।